हाय फ्रेंड्स, हम स्टडी कर रहे हैं मॉडल वर्ब पर और आज का हमारा टॉपिक है डेयर। हिंदी में इसका मीनिंग होता है साहस करना या हिम्मत करना। डेयर का यूज हम प्रिंसिपल वर्ब एंड मॉडल वर्ब दोनों प्रकार से होता है, इसलिए इसे मार्जिनल मॉडल या सेमी मॉडल भी कहा जाता है। यानी डेयर का यूज हम प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं और मॉडल वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेयर का मॉडल वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, उसके लिए क्या-क्या कंडीशन है। तो सामान्यतः इसका यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, यानी कि इनमें वही कंडीशन है जो नीड के लिए थी। प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस नहीं लगता है। यदि डेयर के बाद इन्फिनेटिव यूज हो तो टू नहीं लगता है। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू, डज या डिड का यूज नहीं करेंगे। जब हम डेयर का यूज मॉडल वर्ब के रूप में करेंगे तो सामान्यतः नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे, और प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस नहीं लगाएंगे। और यदि डेयर के बाद कोई इन्फिनेटिव यूज हो रहा है तो उससे पहले हम टू नहीं लगाएंगे, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू, डज या डिड का यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मॉडल वर्ब डेयर का यूज नेगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार किया जाता है, उसका पैटर्न। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डेयर, फिर नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मेरी ऐसा कदम उठाने की हिम्मत नहीं है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर डेयर, इसके बाद नॉट और फिर वर्ब टैक फर्स्ट फॉर्म। तो आई डेयर नॉट टैक सच ए स्टेप, यानी मेरी ऐसा कदम उठाने की हिम्मत नहीं है, मेरी उसे बताने की हिम्मत नहीं है। तो आई डेयर नॉट टेल हिम, उसकी वहां जाने की हिम्मत नहीं है। ही डेयर नॉट गो देयर। इस प्रकार मॉडल वर्ब डेयर का यूज हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, या इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में मॉडल वर्ब डेयर का यूज किस प्रकार से करेंगे। तो उसका पैटर्न है, सबसे पहले डेयर, फिर सब्जेक्ट, यदि नेगेटिव है तो नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या तुझ में सच कहने की हिम्मत है, तो डेयर यू से द ट्रूथ। सबसे पहले डेयर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डेयर यू से द ट्रूथ। यदि नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में हो सेंटेंस, क्या तुझ में सच कहने की हिम्मत नहीं है, तो डेयर यू नॉट से द ट्रूथ। तो इस प्रकार हम मॉडल वर्ब डेयर का यूज जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। हम डेयर का यूज हाउ के साथ भी करते हैं। तो हाउ के साथ डेयर का यूज आश्चर्य, गुस्सा एवं सदमा, यानी सरप्राइज, एंगर और शॉक को एक्सप्रेस करता है। जैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो हाउ डेयर यू, यानी कि एक तरह से हम एंगर में हैं, गुस्से में हैं, तो इसको शो करने के लिए, सरप्राइज, एंगर या शॉक को शो करने के लिए हम हाउ के साथ डेयर का यूज करते हैं। उसकी तुमसे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, तो हाउ डेयर ही से सो टू यू। उसकी मेरे सामने बैठने की हिम्मत कैसे हुई, तो हाउ डेयर ही सिट इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम हाउ के साथ डेयर का यूज सरप्राइज, एंगर और शॉक को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। डेयर के यूज में यहाँ पे एक और चीज नोटिस आपको करनी है कि जब नोबडी, एनीबॉडी एवं समबॉडी के साथ डेयर का यूज मॉडल वर्ब के रूप में किया जाता है, और इसके साथ यदि कोई इन्फिनेटिव आता है तो हम टू का यूज, इन्फिनेटिव से पहले टू का यूज हम कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते, ये हमारी इच्छा के ऊपर है। जैसे नोबडी डेयर टू कमेंट लाइक दैट, तो यहाँ पे डेयर के बाद यानी कि ये इन्फिनेटिव टू का यूज हुआ है, तो हम इसे यूज कर भी सकते हैं या हटा भी सकते हैं। लेकिन सामान्यतः जब हम डेयर का यूज मॉडल वर्ब के रूप में करते हैं तो फिर हम इन्फिनिटिव से पहले टू का यूज नहीं करते हैं। तो आपकी इच्छा के ऊपर है, आप लगा भी सकते हो इसको टू को या नहीं भी लगा सकते,
लेकिन ये ध्यान रखिए सब्जेक्ट हमारा नो बॉडी, एनी बॉडी या सम बॉडी के साथ ही हमें इसका यूज करना है। यहाँ पे डेयर का एक और इम्पोर्टेंट यूजेज है, डेयर से या डेयर से, यानी यहाँ डेयर के साथ से है लेकिन ये दोनों अलग अलग है और यहाँ डेयर से जुड़ा हुआ है। दोनों का एक ही मीनिंग है और इसका अर्थ होता है शायद, कदाचित या अनुमान को एक्सप्रेस करने के लिए आई के साथ ही इसका यूज किया जाता है। ध्यान रखना आई के साथ ही इसका यूज किया जाता है, मतलब शायद या कदाचित, यानी परहैप्स या आई एक्सपेक्टेड, ठीक है, इस सेंस में यूज किया जाता है। और आप डेयर के साथ से को अलग भी लिख सकते हो या दोनों को मिला के भी लिख सकते हो, जैसे शायद ये सब ठीक हो जाएगा, तो आई डेयर से इट विल बी ऑल राइट। तो यहाँ पे हम आई के साथ डेयर से का यूज करेंगे तो हम दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, डेयर और से को, या एक साथ मिला के भी लिख सकते हैं। शायद शाम को बरसात हो तो आई डेयर से इट मे रेन इन द इवनिंग। शायद वह बाद में आए तो आई डेयर से सी मे कम लेटर। अब हमारा नेक्स्ट है, डेयर का मैन वर्ब के रूप में किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट, उसके बाद डेयर या डेयर्स, यानी ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर नॉट और इसके बाद डेयर। यदि इंट्रोगेटिव है तो डू या डज पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट और इसके बाद डेयर। ये ध्यान रखिएगा, यदि डेयर के बाद कोई इन्फिनिटिव आता है तो उससे पहले हम टू लगाएंगे, ठीक है, जबकि मॉडल वर्ब में हम बिना टू के यूज करते हैं इन्फिनिटिव को। जैसे वह तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत रखता है, तो ही यानी कि सब्जेक्ट है लेकिन ये सिंगुलर है तो इसके साथ डेयर्स आएगा। फिर यहाँ पे टू स्टैंड, ठीक है, तो यहाँ जो स्टैंड इन्फिनिटिव है तो इससे पहले टू का यूज हुआ है, ठीक है, तो ही डेयर्स टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू। तुम उसके विपरीत एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं करते हो, तो यू डू नॉट डेयर टू से ये सिंगल वर्ड्स अगेंस्ट हर। क्या वह तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत रखता है, ये इंट्रोगेटिव में है, तो डज ही डेयर टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू, क्या वह तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत रखता है। तो इस प्रकार प्रेजेंट टेंस में हम मैन वर्ब डेयर का यूज कर सकते हैं। यदि हम पास्ट टेंस की बात करें कि पास्ट में डेयर का यूज मैन वर्ब के रूप में कैसे करेंगे, तो सब्जेक्ट के बाद डेयर की सेकेंड फॉर्म डेयर का यूज करेंगे, और यदि ये अफर्मेटिव में हुआ, यदि नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद डिड, फिर नॉट, और हमेशा डिड के साथ इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी तो डेयर, और यदि ये नेगेटिव हुआ और यदि इंट्रोगेटिव की बात है तो डिड के बाद सब्जेक्ट और फिर डेयर। जैसे उसने अपने पति का विरोध करने की हिम्मत की, तो सी डेयर टू अपोज हर हस्बैंड। यहाँ पे सी सब्जेक्ट, फिर वर्ब की, मतलब सॉरी डेयर की सेकंड फॉर्म यहाँ पे, क्योंकि ये मैन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, फिर इन्फिनेटिव आया है तो उससे पहले हम टू का यूज करेंगे, ठीक है, तो टू अपोज आर हस्बैंड। उसने अपने पति का विरोध करने की हिम्मत नहीं की, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो सी डिड नॉट डेयर टू अपोज हर हस्बैंड। यहाँ डिड के साथ डेयर यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या उसने अपने पति का विरोध करने की हिम्मत की, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब डेयर, तो डिड सी डेयर टू अपोज आर हस्बैंड। इस प्रकार से हम पास्ट टेंस में भी मैन वर्ब के रूप में डेयर का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार आप फ्यूचर टेंस में भी शैल और विल के साथ डेयर का यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको डेयर मॉडल वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब यानी मेन वर्ब के रूप में किस प्रकार से सेंटेंस में यूज होता है, इसके बारे में हमने आपको बताया है। उम्मीद है आपसे कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इंग्लिश एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।